आज हम लोग फिर से ह्यूमन राइट्स लॉ का एक लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे क्या ह्यूमन राइट्स प्रोग्रेस है प्लस हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में दोनों डिस्कस किया था। सिमिलरली आज इस टॉपिक में भी हम लोग पहले इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड कैसे कैसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, अलग अलग डिक्लेरेशंस में इंश्योर किए गए हैं, प्रमोट किए गए हैं। देन वी विल सी द सिचुएशन ऑफ इंडिया। सो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में UDHR भी कहते हैं, इट हैज़ मेंशनड अंडर पैरा 2 ऑफ आर्टिकल 25 दैट चाइल्डहुड इज एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। तो UDHR का जो आर्टिकल 25 है उसमें ये मेंशन है कि जो चाइल्डहुड होता है, जो हमारा बचपन होता है, उसको स्पेशल केयर की, उसको स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ UDHR कंसर्निंग द चाइल्ड वर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड विच वॉज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन 20th November 1959। तो UDHR के अंदर जितने भी चिल्ड्रन के ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड या चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स थे, उनको एक सेपरेट डेक्लरेशन में इनकॉर्पोरेट किया गया और उस डेक्लरेशन का नाम रखा गया डेक्लरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, और जिसको अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस के एक बहुत ही अहम ऑर्गन जनरल असेंबली द्वारा। और तारीख क्या थी? इट वॉज 20th November 1959। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेक्लरेशन था जिसने ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड के ह्यूमन राइट्स को एक इम्पॉर्टेंस दी थी और एक फेज प्रोवाइड किया था इंटरनेशनल कोविनेंट। अब हमने पढ़ा था UDHR में कि जब UDHR इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके साथ साथ दो और कोविनेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, दैट वर इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और एक था इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल राइट्स। तो ये दोनों जो कोविनेंट्स हैं, ये दोनों जो एक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, इनमें भी चिल्ड्रन के राइट्स के, चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के कई सारे प्रोविजंस हैं। जैसे कि सिविल एंड पॉलिटिकल कोविनेंट में आर्टिकल 23 एंड 24 बात करता है, वहीं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट में आर्टिकल 10 प्रोवाइड द प्रोविजंस फॉर द केयर ऑफ द चाइल्ड। तो देखो, अब हम लोग क्योंकि हमारा आंसर लिखेंगे इफ द क्वेश्चन कम्स ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड, और हम लोग ग्लोबल लेवल पर शुरुआत कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें मेंशन करें कि किस डॉक्यूमेंट में या किस डिक्लेरेशन में कौन सा पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो चिल्ड्रन के राइट्स की बात करता है, या कौन सा डिक्लेरेशन जो है वो किसने और किस डेट को अडॉप्ट किया था। तो यहीं पे ये सारे फैक्ट्स बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं फॉर हैविंग अ गुड आंसर राइटिंग। तो ये सब चीज़ें सीरीज में हैं और इन सबको आपको ध्यान रखना है और ध्यान से समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, UDHR की बात कर ली, यूनाइटेड नेशंस की बात कर ली। एक बहुत ही अहम कॉन्वेंशन थी, दैट वाज कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड। इट वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन 20th November 1989, विच केम इनटू फोर्स ऑन 2 September 1990। तो जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है, उसने एक कॉन्वेंशन अडॉप्ट की थी जो कि एक लैंडमार्क कॉन्वेंशन प्रूव हुई थी, दैट वॉज CRC, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो देखो, जब हमारा ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स चाइल्ड, देखो यहाँ पे आई जस्ट मार्क यू बाय द पेन, देखो जब यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड अडॉप्ट किया गया तो आपका ईयर था 1959। ठीक उसके 30 ईयर्स के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, अगेन आपका डेट भी सेम है, 20 November 1989 को ये CRC अडॉप्ट किया गया है। पहले वाली डिक्लेरेशन भी जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी, और ये भी जो कॉन्वेंशन है ये जनरल असेंबली ने ही अडॉप्ट किया है। दोनों ही चिल्ड्रन के राइट्स की बात करते हैं। तो ये बताने का मेरा मकसद ये था, ताकि आप लोगों को डेट्स याद करने में आसानी हो, कि डिक्लेरेशन हुई थी 20 November 1959 को अडॉप्ट, और उसके 30 ईयर्स के बाद डेट भी सेम है, तो 20 November 1989 को अडॉप्ट किया गया था द कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड। लेकिन ये इन्फोर्समेंट में आया था एक साल के बाद, दैट वॉज 2 September 1990। ठीक है, नाउ CRC इज अ फर्स्ट ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। तो CRC जो है, ये जो कन्वेंशन है, ये पहला ग्लोबल लेवल पे एक बाइंडिंग ट्रीटी था जो कि चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, चिल्ड्रन के हर तरह के राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई CRC वॉज सच अ इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन। अंडर आर्टिकल 1 ऑफ CRC इट स्टेट्स दैट, अब
इसके आर्टिकल 1 में ये बताया गया है कि चाइल्ड कौन है या कौन चाइल्ड कहलाएगा. सो चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स अनलेस अंडर द लॉ एप्लीकेबल टू द चाइल्ड मेजोरिटी इज अटेन अर्लियर. तो इसके तहत जो चाइल्ड है वो हर ह्यूमन बीइंग जो कि 18 साल से कम आयु का है, जिसकी एज 18 ईयर्स से लेसर है, वो पर्सन चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा और चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई और लॉ प्रिवेल कर रहा है या एप्लीकेबल है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी केस में, तो अगर वो पर्टिकुलर लॉ कोई और कम एज पे बच्चे को एक पर्सन को चाइल्ड अज्यूम कर रहा है तो वहाँ पे वो एज कंसिडर की जाएगी. अदरवाइज इन जनरल अ चाइल्ड इज़ अ पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है, ये एक अमूमन नॉर्मली भी हमारे इंडियन लॉज में भी यही एज रहती है. अब हमारे इस CRC के अंदर, इस कॉन्वेंशन के अंदर कुछ राइट्स बताए गए हैं चिल्ड्रन के. द राइट ऑफ द चिल्ड्रन, द राइट टू लाइफ, द राइट टू अक्वायर नेशनैलिटी, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कंसाइंस, रिलीजन एट्सेट्रा. ये कुछ बहुत ही बेसिक राइट्स हैं जो CRC में प्रोवाइड किए गए हैं कि ये हर बच्चे को प्रोवाइड होने चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमूमन सभी राइट्स जो हैं वो हर बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, तो ये CRC में कुछ मोटे मोटे राइट्स हैं. और भी राइट्स उसमें मेंशन किए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले मेंशन किए हैं, बाकी CRC में पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देख लिया CRC का क्या रोल था और किस तरीके से इट वॉज अ फर्स्ट ग्लोबल बाइंडिंग ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. अब हम लोग चाइल्ड लेबर की बात करते हैं. चाइल्ड लेबर हम सब जानते हैं, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाल मजदूरी. छोटे छोटे बच्चों से फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में, मिल्स में काम कराया जाता है. तो द गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर आर टू प्रोटेक्ट द वर्किंग चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड द हजार्डियस कंडीशंस दैट इंडेंजर देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. तो यूनाइटेड नेशंस का हमेशा गोल रहा है कि बच्चों को जो भी बाल मजदूरी कराई जाती है उससे प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी उनके साथ वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉयटेशन होता है उन्हें हजार्डियस सिचुएशंस में भेज दिया जाता है. जैसे कि हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत बार हमने सुना है कि जो दिवाली के पटाखे बनाए जाते हैं तो जो पटाखों की फैक्ट्रियाँ होती है उसमें छोटे छोटे बच्चों को इंडल्ज किया जाता है वो पटाखे बनाने में. अब आप सोचिए पटाखा बनाना, जो क्रैकर्स मेकिंग है, वो कितना डेंजरस काम होता है, उसमें कितने डेंजरस एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस का गोल यही है कि जो भी बच्चे इस तरीके की हजार्डियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या फिर उनको सप्रेस किया जा रहा है तो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी और उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए भी. To ensure children's access to the basic necessities. और United Nations का goal है कि protection provide करके हर बच्चे को जो basic necessities होती हैं वो ensure की जाए हर बच्चे को. And to achieve the progressive elimination of child labor. और ये जो child labor की कुप्रथा है और ये जो एक गलत, एक कहते हैं ना devil है society में, उसको eliminate करने का जो एक की पॉइंट है या फिर एक सक्सेस पॉइंट है उसको अचीव किया जाए. सो टू अचीव द गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, डिफरेंट बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव टेकन द स्टेप्स. तो इस गोल को यूनाइटेड नेशंस के कि चाइल्ड लेबर एलिमिनेट की जाए, हर बच्चे को बेसिक नेसेसिटीज इंश्योर की जाए, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की कई सारी बॉडीज जो हैं वो काम पर लगी हुई हैं, कई सारे स्टेप्स लिए हैं उन्होंने. जैसे कि हम सब ने सुना होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लेबर वर्ल्ड में लेबर प्रोटेक्शन में अपना इतना अहम रोल प्ले किया है, इतने सारे की मेजर्स लिए हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं. तो ILO सिंस इट्स इंसेप्शन हैज़ बीन कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन एज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सोशल जस्टिस एंड इट हैज़ अडॉप्टेड 12 मेजर कॉन्वेंशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. तो ILO ने जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इस्टेब्लिश हुआ है, तभी से इसने बच्चों के और यंग पर्सन के प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन में अपना काम किया है, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है. और चिल्ड्रन वेलफेयर में अब तक ये मेजर 12 कॉन्वेंशंस जो हैं अडॉप्ट कर चुका है और जिसके तहत बहुत सारे जो है मेजर्स लिए जा चुके हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. इसके अलावा आगे बात करें यूनाइटेड नेशंस के और ऑर्गन, जो कि एक बहुत अहम ऑर्गन है, जनरल असेंबली. सो जनरल असेंबली 1992 अर्ज द गवर्नमेंट्स एंड द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स टू टेक एक्शन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन वो आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन सीरियस क्राइम्स लाइक ड्रग अब्यूज, वॉयलेंस, प्रोस्टिट्यूशन,
और बहुत सारे क्या नाम है स्मोकिंग ड्रग्स एंड ऑल, तो सेक्स रैकेट्स वगैरह. तो जनरल असेंबली ने 1992 में कई सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया, प्लस जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमीशन है, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसको अर्ज किया कि आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो, एक डायरेक्ट पॉजिटिव एक्शन लो जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेके, जो बच्चे सड़कों पर पड़े होते हैं, जिनके ऊपर कोई छत नहीं है, कोई साथ में नहीं है, ठीक है, जो कि बच्चे, क्योंकि उनको कोई सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, राइट डायरेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग गलत गलत क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि ड्रग अब्यूज़ हो गया, या फिर टेररिज्म हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, वगैरह वगैरह. तो उस वक्त 1992 में भी जनरल असेंबली ने ऐसे प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो है अपनी वॉइस रेज की थी और अर्ज किया था सभी गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए. इसके अलावा अभी हमने कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की ही बात की थी, तो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स हैज़ अपॉइंटेड अ स्पेशल रेपर्चर. रेपर्चर क्या होता है? रेपर्चर एक पर्सन है जो कि अपॉइंट किया गया था बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट ऑन द प्रोसीडिंग. तो कमीशन ने एक स्पेशल रेपर्चर अपॉइंट किया था फॉर अब किस चीज़ की रिपोर्ट्स देने के लिए? ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एट्सेट्रा. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग बॉडीज़ ने, अलग अलग ऑर्गन्स ने बहुत ही अपने अपने लेवल पे अलग अलग इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये सब हमने ग्लोबल लेवल पे देख लिया, क्या यूनाइटेड नेशंस का रोल रहा है, क्या उसके प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, क्या UDHR का रोल रहा है, CRC कैसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स में. ठीक है, सो चाइल्ड लेबर इन इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 क्लियरली बोलता है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का है वो किसी भी तरीके की फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा, ना ही किसी फैक्ट्री में, ना ही किसी माइन में, या फिर ना ही किसी भी तरीके के हजार्डियस जो कि डेंजरस एम्प्लॉयमेंट है उसमें एम्प्लॉय होगा या वहाँ पे काम करेगा. सो आर्टिकल 24 ये क्लियर जो है यहाँ पे राइट प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 45 इट provides that the state shall endeavor to provide free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. State के ऊपर ये duty impose करता है कि state हर बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का है, जिसने अभी तक 14 साल की उम्र अटेन नहीं की है, उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इंश्योर करेगा. तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि चाइल्ड वेलफेयर या चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की बात करते हैं. In India, Employment of Children Act 1938 was the first statutory enactment which was dealing with the child labor. और constitution के अलावा किसी और legislation की बात करें तो Employment of Children Act 1938, याद रखना Employment of Children Act 1938 पहला statutory enactment था जो कि law द्वारा, जो कि legislature द्वारा पास किया गया था, जो कि deal करता था child labor से related. The act had prohibited employment of children below the 14 years of age in the railways and other means of transport. So basically ये जो legislation था ये बच्चों को prohibit करता है कि वो जो भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का है वो railways या और भी किसी means of transport के employment में काम नहीं करेगा. ठीक है, a number of legislative enactments enacted after independence are in force which prohibit the employment of child labor in different occupations. और इसके अलावा ये तो independence से पहले का हो गया, independence के बाद भी बहुत सारे enactments जो हैं वो पास हुए हैं, laws पास हुए हैं जो कि child labor को prohibit करते हैं, बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आई हैव कोटेड हियर, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडियन माइंस एक्ट 1952, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961. ये सभी जो लेजिस्लेशंस हैं दे प्रोवाइड द प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड लेबर, और उनको प्रोहिबिट करते हैं कि वो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज ना हो. कुछ केस देख लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट इन MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1997 इट लेड डाउन गाइडलाइंस सो दैट स्टेट अथॉरिटीज में प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक सोशल राइट्स ऑफ चाइल्ड हु आर वर्किंग आइदर इन हजार्डियस और नॉन हजार्डियस जॉब्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, इस केस के अंदर गाइडलाइंस लेड डाउन की थी कि स्टेट अथॉरिटीज जो हैं हर बच्चे के सोशल इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करें और मतलब प्रोहिबिट करें कि वो किसी भी तरीके की
हजार्डियस एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हों, और अगर कोई भी बच्चा ऐसे किसी भी जॉब्स में इन्वॉल्व है तो उसके इकोनॉमिक और सोशल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, किसी भी तरीके का हरासमेंट उनके संग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ एक और केस है, लेबर वर्किंग ऑन सलाल हाइडल प्रोजेक्ट वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1984। इन दिस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ अ हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट एंड द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड देयर इन। इस केस में ये बोला गया था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, घर वगैरह बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, रोड्स बनाने का, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ये एक हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है, और कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का है वो ऐसी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व इंडल्ज ना हो। लेकिन फिर भी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कई सारे केसेस में अपने जजमेंट्स दिए हैं, लेकिन आज भी हम लोग ग्राउंड लेवल पर देखें तो कितनी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऐसे वर्क प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मजदूर जो होते हैं, खासकर जो मजदूर होते हैं वहाँ उनके साथ उनके बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जिन पर वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो कितना डेंजरस होता है उन लोगों के लिए, और कई सारे हादसे भी हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। सो क्या है, इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, अ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 वाज इनेक्टेड ऑन 20th January 2006। तो जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई हैं या अडॉप्ट की गई थी बच्चों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उसको इफेक्ट देने के लिए, है ना, कोई भी चीज़ सिर्फ लिखित रूप में या मौखिक रूप में नहीं होनी चाहिए, उसका एक इफेक्ट होना चाहिए, वो एक इन्फोर्समेंट में आनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, तो उसको इफेक्ट देने के लिए एक कमीशन सेटअप की गई थी, दैट वाज कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, जो कि इनेक्ट हुई 20th January 2006 को। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शैल बी वुमेन। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें एक चेयरपर्सन है और 6 अदर मेंबर्स हैं, टोटल 7 मेंबर्स हैं जिसमें से 2 जो हैं वो महिलाएँ होना अनिवार्य है। कमीशन शैल परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शंस, तो कमीशन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, एग्जामिन एंड रिव्यू द सेफगार्ड अंडर लॉज इन्फोर्स फॉर चाइल्ड राइट्स, जो भी लॉज इन्फोर्स है चाइल्ड राइट्स के लिए उनके प्रोविजंस को एग्जामिन करना, रिव्यू करना, प्रेजेंट द रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली एंड एट सच अदर इंटरवल्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड रिपोर्ट सबमिशन करना, जो भी एनुअल लेवल पे या और जितने इंटरवल्स पे रिक्वायर्ड हैं, प्लस इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अगर कोई भी तरीके का चाइल्ड राइट वायलेशन हो रहा है किसी भी जगह पे तो उसके लिए उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लेना, उस पर इंक्वायरी करना, स्प्रेड चाइल्ड राइट्स लिटरेसी अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में चाइल्ड राइट्स की एक अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि चाइल्ड राइट्स क्या है, क्यों ज़रूरी है, और हम जहाँ हमारी सोसाइटी में रहते हैं हमारे सामने सामने चाइल्ड राइट्स वायलेशन होता है और हमें मालूम भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम अवेयर नहीं हैं कि चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं, तो उसकी लिटरेसी स्प्रेड करना। इसके अलावा स्टडी द ट्रीटीज़ एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन चाइल्ड राइट्स, हमारी कंट्री ने और जो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की हुई हैं चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, उसको स्टडी करना, उसको इफेक्ट में लाने के लिए स्टेप्स लेना, एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स एंड टेक स्लो मोटो नोटिस ऑफ मैटर्स ऑफ वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और अगर जो भी चाइल्ड वायलेशन की कंप्लेंट्स आती हैं उनको इंक्वायर करना, उसमें एक्शन लेना, प्लस अगर खुद के बेसिस पे भी अगर कहीं उनको ऐसा कुछ सुनने को मिला है या देखने को मिल रहा है कमीशन को, तो वह अपने खुद के मोशन पे भी, मतलब स्लो मोटो खुद से भी वो उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं और उस मैटर में इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रोल कमीशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं कमीशन, और बहुत सारे मैटर्स में इन्होंने अपना रोल प्ले किया है एक्टिव और लोगों में जागरूकता फैलाई है। तो ये हो गया हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है चाइल्ड राइट्स, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, और समय लगेगा, आसान नहीं है। कंक्लूजन ले लेते हैं, लीगल रिफॉर्म्स अलोन कैन नॉट ब्रिंग द जस्टिस टू द चाइल्ड। देखो, जितनी लीगल रिफॉर्म्स अकेले काफ़ी नहीं है चाइल्ड्स को जस्टिस, चिल्ड्रन को जस्टिस इंश्योर करने के लिए, द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर इज़ अवेयरनेस,
अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, हर वर्ग को, हर सेक्शन को ज़रूरी है कि चाइल्ड राइट का क्या वैल्यू है, चाइल्ड का कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, हम जाने अनजाने कैसे चाइल्ड राइट्स को हिंडर करते हैं, ऑफ सच पॉसिबल अब्यूज़ एंड हाउ टू डील विद इट एमंग वेरियस सेक्शंस। हर सेक्शन में, चाहे वो निचली कोई और आपका कास्ट हो, रेस हो, रिलीजन हो, सभी में जो है चाइल्ड राइट्स के अवेयरनेस को फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एक कहते ना कि एक जागरूकता की लहर क्रिएट कर सकता है और एक वो एक आई कैन से एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है इन दिस एम्बिट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड इज अ बर्ड माय डियर फ्रेंड, चाइल्ड इज अ बर्ड एंड लेट इट ब्लॉसम एज अ फ्लावर विद द न्यूट्रिशन टू राइट्स, विद द फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम एंड विद केयर एंड अटेंशन नॉट ओनली फ्रॉम पेरेंट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट्स एंड सोसाइटी। सिर्फ पेरेंट्स का ही रोल नहीं है, सोसाइटी में जो स्टेट है उसका बहुत ही अहम रोल है बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए। द स्ट्रगल फॉर रियलाइजेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। ये कोई एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई एक साल में होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक लॉन्ग जर्नी है, ये लंबा सफ़र है और इस पर काम करते रहना है, तभी जो है हम इसमें अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इसमें जो मैसेज है जो निकल रहा है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आपके आसपास भी अगर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की कोई भी ऐसी न्यूज़ मिलती है या कोई भी आप आंखों देखा देखते हो कि बच्चे का वॉयलेशन हो रहा है या बच्चे चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हैं, अगर आप ले सके कोई एक्शन या किसी को बता सके कोई अथॉरिटी को, तो ज़रूर अपने लेवल पर ऐसा प्रयास करिएगा। और लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको हेल्प हुई या नहीं हुई, आपके आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है मुझे बताइएगा, ताकि अगर कमी है तो मैं उस पर काम करूँगी और अच्छा है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं सही काम कर रही हूँ। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और ऐसे लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।